अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM भी कहते हैं और यहाँ पे हम सेपरेट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसके नंबर्स हैं 18 और 24, दोनों इवन नंबर हैं। अगेन जैसे हमने HCF फाइंड किया था, हम यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये दोनों इवन नंबर है 18 और 24। तो हमारा जो पहला प्राइम फैक्टर है वो है 2, तो हम इसे 2 से करेंगे। 2 9 सर 18, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के टेबल पे 12 आता है लेकिन 9 डिवाइड नहीं होता, दोनों जो हैं वो 3 के टेबल पे आते हैं। तो 3 हमारा नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है, 3 3 इज़ 9, 3 4 इज़ 12। अब जैसे अगर हम HCF फाइंड कर रहे होते तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते, क्योंकि HCF में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं लेकिन LCM में हम नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं, ठीक है। चाहे ये दोनों डिफरेंट टेबल्स पे होते हैं, हम इसको फिर भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका 1 1 नहीं आ जाता। पहले हम 3 को सॉल्व कर लेंगे, 3 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 वन सा 3, 4 विल कम एज इट इज़। 4 को हमने 4 पे डिवाइड नहीं करना, हमने यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं लेना, हम यहाँ पे प्राइम नंबर लेंगे। 4 2 के टेबल में आता है, 1 एज इट इज़ एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन वी विल टेक 2, 1, 1, ठीक है। अब आपका जो LCM है वो जितने भी यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर्स लिए थे इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। ये दोनों हमारे कॉमन फैक्टर्स थे और ये तीनों नॉन कॉमन फैक्टर्स थे और हमने इन सब को LCM फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप इसको वर्किंग इसकी शो करेंगे रफ कॉलम में ताकि आप क्लियरली आपको कोई मिस्टेक ना हो। 2 3 ज़ार आप इधर शो करें, 2 3 ज़ार 6, फिर उसके बाद 6 3 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 36, नेक्स्ट 36 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 72। तो यहाँ पर जो हमारा LCM आया वो है 72। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें दिए हुए हैं 45 और 75। ये दोनों नंबर्स आप देख सकते हो कि इन दोनों के एंड पे 5 आया हुआ है। जितने भी नंबर्स इनके एंड पे 5 आते हैं वो 5 पे डिविजिबल होते हैं। अब 45 5 के टेबल पढ़े, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 2 आपका यहाँ पे रिमाइंडर होगा, 2 को 5 से मिलाएं 25, 5 5 ज़ा 25। अब 9 और 15 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो नहीं आता ना, 3 के टेबल में आता है। तो हम इधर यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब अगेन यहाँ पे हमें स्टॉप नहीं करना, जब HCF होता है तब हम स्टॉप करते हैं, LCM में हम नहीं करते। अब हमने पहले 3 को 1 करना है फिर हम 5 को कर लेंगे। 3 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 5 विल कम एज इट इज़। अब आप 5 को डिवाइड करें, 1 को ऐसे नीचे लिखें, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आपका LCM आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको अगेन हम रफ कॉलम में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स के चांस कम होंगे। अगर आप इस तरह नहीं वर्किंग करेंगे, समटाइम आप नंबर मिस कर देते हैं जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाती है। तो स्टेप बाई स्टेप चलना है, 15 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 45। अब लास्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और प्लस 2 225। तो यहाँ पर जो हमारा LCM आया वो है 225। इसी तरह हम थर्ड एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं जो हमें दी हुई है 56 और 196, ठीक है। 56 और 196 हमारे पास नंबर हैं, ये दोनों इवन नंबर है। कैसे पता चला, जिन नंबर्स के एंड पे 2 4 6 8 0 आता है वो इवन नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स हमेशा 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको मुश्किल लग रही है वर्किंग कर, आप इसको रफ कॉलम में भी कर सकते हो। 56 को 2 पे डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज़ 1, 6 को नीचे लेकर आओ, 2 8 ज़ा 16, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया है 28। इसी तरह हम 196 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 9 माइनस 8 1, 6 को नीचे ले आओ, 2 8 ज़ा 16,
जो हमारे क्वेश्चन है, एक पहला है 28 और दूसरा है हमारा क्वेश्चन है 98। अब ये दोनों अगेन टू पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 2 4 8। पहले आपने कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं, जितने भी आपने एलसीएम फाइंड करते हो, उसके बाद आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स लेने। अभी ये हमारा टू भी कॉमन फैक्टर है। अब आप 9 को डिवाइड करोगे तो 2 4 8 और 1 यहाँ पे 2 9 18। अब ये दोनों जो हैं 2 की टेबल में नहीं आते, लेकिन ये 7 की टेबल पे आते हैं, तो हम इसको 7 पे करेंगे। 7 2 14, 7 7 49। अगेन अब ये दोनों किसी कॉमन फैक्टर, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, अब इनको नॉन कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। पहले हम 2 को सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2, 7 विल कम एज इट इज, अगेन वी विल डू विद 7 1 और 7 1 7। अब यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो है 2 × 2 × 7 × 2 × 7। इसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, वर्किंग करो इसकी। 2 2 4, यहाँ तक आपने कर लिया। अब उसके बाद 4 7 करें, 4 7 28, 28 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 8 16, 2 2 4 + 1 5, और लास्ट में आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42, 7 5 35 + 4 39। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 392। अच्छा, जो लास्ट एग्जांपल हमारी यहाँ पे है वो है 9 12 और 18। इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ये दोनों देखिए, नंबर तीनों जो नंबर है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम पहला जो प्राइम फैक्टर लेंगे वो 3 है। 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18। अगेन आप देखो, यहाँ पे हमारा तीनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, लेकिन 3 और 6 3 के टेबल पे जाते हैं, तो हम जो दो नंबर्स हैं पहले उनको डिवाइड कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हैं, ये दोनों 2 पे जाते हैं, तो आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 से कर रही हूँ, 3 1 3, 4 विल कम एज इट इज, 3 2 6। अगेन अब आप 2 ले लो, 1 जो है वैसे नीचे लिखना है, 2 2 4, 2 1 2। लास्ट में आपने 2 को 1 करना है, ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है, 3 × 3 × 2 × 2। सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 इज 9, नेक्स्ट 9 × 2, 9 × 2 इज 18, और लास्ट में 18 × 2, 2 8 16, 2 1 2 + 1 3, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 36। ठीक है, ये मैंने सॉल्व की थी यहाँ पे जो हमें एग्जांपल्स दी हुई थी। यहाँ पे देखिए, हमें जो है एग्जांपल्स दी हुई है इस पेज नंबर 15 पे, ठीक है। ये क्लास 5 का लेसन नंबर 2 है, और यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स थी वो सारी मैंने सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, इसको भी सॉल्व कर लिए, फोर्थ भी कर लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं, इस बी पार्ट को कर लेते हैं और ये ई पार्ट कर लेते हैं, इन दो पार्ट को मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ। बी पार्ट हमारे पास है 135 और 120। अच्छा, अब ये दोनों नंबर्स आप देख लें, जिन नंबर्स के एंड पे मैंने आपको पहले भी बताया था 5 और 0 आता है, ये 5 पे डिविजिबल होते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि जिन नंबर्स के लास्ट में 5 और 0 आएगा वो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने हैं और 5 एक प्राइम नंबर है। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे, 5 2 10, और यहाँ पे 3 लेफ्ट हो जाएगा, ये 35 बन जाएगा, 5 7 35। इसको आप डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 135 को आपने 5 पे डिवाइड करना है, 5 2 10, 3 − 0 3, 1 − 1 0, 5 5 7 35। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 27। अब आप 120 को 5 पे डिवाइड करो, दो डिजिट आप लेंगे क्योंकि 1 स्मॉल है, और अब आपने इसको करना है 5 2 10, 2 − 0 2, टेक डाउन 0, और 5 4 20। तो हमारे जो दो क्वेश्चंस आए हैं वो है एक 27 और एक 24। अब ये दोनों देखें, आप 3 के टेबल में आते हैं, आप इसको 3 से डिवाइड करो, 3 9 27, 3 8 24। अब नेक्स्ट आप ये दोनों किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड नहीं होते, दोनों डिफरेंट फैक्टर से डिवाइड होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना है कि आपने इसको 9 से कर दिया और इसको 8 से कर दिया। हमने कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं लेना, हम यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे जो कि 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन,
ये वाले नंबर्स लेने हैं। अब आप सबसे पहले 9 को डिवाइड करो 3 पे, 3 3 9, 8 को ऐसे ही नीचे लिख लेना है। दोबारा 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 8 विल कम एज इट इज़। फिर 2 से करेंगे, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, देन अगेन 2 1 2, 1 एज इट इज़ और 2 1 2। ठीक है, अब ये आपका लेंथी तो हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन भी यही है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम सिर्फ प्राइम नंबर ले सकते हैं। एट द एंड आप इसको सारों को लिखिए, 5 × 3 × 3 × 3 और हमारे पास 3 2s हैं। रफ वर्किंग में आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन को शो करना है, 5 3 15, 5 × 3 15, और फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 3 5 15, 1 कैरी, 3 1 3 और प्लस 1 4। अब आपने 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, 3 4 12 और प्लस 1 13। अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, 2 3 6, प्लस 1 7, 2 1 2। फिर 2 से 2 0 0, 2 7 14, 2 2 4, 5 40। और अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 4 8, 2 1 5 10। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 1 0 8 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है ई पार्ट। ई पार्ट हमने पेज नंबर 16 से हम ये कर रहे हैं, 35 75 और 50। अच्छा, आप इसको सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 7 35, 75 को आपने डिवाइड करना है तो आप 75 को डिवाइड कर लें, 5 1 5, 7 − 5 2, 5 को नीचे लेकर आए, 5 5 25, आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 15। आप 50 को डिवाइड करेंगे तो 5 10 50 होता है। अब ये देखें, ये तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर इन ये दोनों 5 के टेबल में डिवाइड होते हैं। पहले इन दोनों को कर लें 5 से, 7 विल कम एज इट इज़, 5 3 15, 5 2 10। अब इन तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सब सेपरेट है, सबको आप सेपरेटली, और ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, सेपरेटली इनको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 7, 3 विल कम एज इट इज़। फिर आप 3 से डिवाइड करें, 3 1 3, 2 विल कम एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 2 1 2। अब आप एलसीएम लिखिए इसका, 5 × 5 × 7 × 3 × 2। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 5 5 25, 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 5 35, 7 2 14 और प्लस 3 17। 175 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 7 21 22, 3 1 3 और प्लस 2 525। यहाँ पे अब आपके पास 2 रह गए, इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5 2 5 10, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 1050। तो ये आज के वीडियो में आपको मैंने बताया है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।